आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गाइस, आवर टुडेस क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट? एंड द गिवन स्टेटमेंट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर प्रेजेंट अराउंड अस। वी यूज सॉलिड मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैसेस। फॉर वेरियस एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विद वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एंड द फाइनल इज सॉलिड, स्टडी ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सा सही है, राइट? बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे देखना होता है कि कौन सा मोस्ट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, राइट? तो सी द फर्स्ट ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर प्रेजेंट अराउंड अस। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो गैस है, ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस लेते हैं, तो गैस हो गया, और सॉलिड हमारे चारों तरफ दिख जाती है, घर वगैरह जो होती है दैट इज सॉलिड। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड, वी ऑफन सॉलिड मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैसेज। तो लेट सपोज ये एक तरह का कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट है, तो इसे अभी रहने देते हैं। वी सी लुक एट द अनदर ऑप्शन, राइट? नाउ थर्ड ऑप्शन इज फॉर वेरियस एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विथ वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए सॉलिड जो होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुई यूज होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हमारा सही है। लेट अस सपोज कि हमें एक चाकू की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो स्टील का यूज़ करते हैं या फिर आयरन का यूज़ करते हैं, जबकि हम लोग घर बनाने के लिए जो ईट होती है उसका यूज़ करते हैं, जिसे हम मिट्टी से बनाते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वो सब सारी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, जिसे हम लोग जिसका यूज़ करके हम लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज़ किया जाता है। नाइस। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्टडी ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो कहीं ना और ये स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड का जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर का अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन से सॉलिड का हमें यूज़ करना है फॉर व्हाट पर्पस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन टू, क्योंकि ये कंट्रोवर्सियल था, तो वी यूज सॉलिड मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैसेज। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो हमारे हर जगह मौजूद है। लेट अस सपोज कि हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रेन भी सॉलिड चीज़ों के बने होते हैं, बस वगैरह जो रोड वगैरह जो बनी होती है वो भी सॉलिड की बनी होती है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से सही स्टेटमेंट हो गया। और देयरफॉर द क्वेश्चन में पूछा गया कि उसमें से कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन फोर है वो सही नहीं है, क्योंकि हमें सॉलिड लिक्विड गैस सबके स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी फोर। Hope you understand. Thank you for watching. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, Mains और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।